है सुप्रभात राजस्थान, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भिलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर सीएम भजनलाल आज भिलवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं और सीएम भजनलाल शर्मा हरित संगम मेले का अवलोकन करेंगे। साथ ही शहर के चित्रकूट धाम में इसका आयोजन किया जाएगा। संगम मेले के अवलोकन के बाद काली आयास पहुंचेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का भी अवलोकन होगा। फिर दोपहर 1 बजे भिलवाड़ा पहुंचेंगे सीएम भजनलाल और वहां पर कार्यक्रम का जायजा लेंगे। तो आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम और आज भिलवाड़ा दौरे पर रहने वाले हैं सीएम भजनलाल। एक बार फिर से आपको उनका प्रस्तावित कार्यक्रम बता दें कि आज सीएम भजनलाल हरित संगम मेले का अवलोकन करेंगे और साथ ही भिलवाड़ा दौरे पर रहने वाले हैं। हरित संगम मेले के अवलोकन के बाद से शहर के चित्रकूट धाम में इसका आयोजन किया जाएगा। संगम मेले के अवलोकन के बाद से वो कालियास पहुंचेंगे, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन किया जाएगा। दोपहर 1 बजे भिलवाड़ा भी पहुंचने का कार्यक्रम है सीएम भजनलाल का। अब बात मिशन 25 पर बीजेपी के महामंथन की कर लें तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता कर्म करें, फल की चिंता ना करें। मैं सबसे पीछे की लाइन में बैठा था, मुझे पता ही नहीं था कि सीएम बनूंगा। मेरा संगठन में काम करने में ज्यादा मन लगता है। वहीं सीपी जोशी ने कहा कि सदस्यता अभियान में कांग्रेसी विचारधारा के लोगों को भी शामिल करें। वहीं मंत्रियों को नसीहत दी गई कि भाषणबाजी की जगह लोगों की समस्याओं के समाधान पर फोकस करें। कार्य समिति की बैठक में फैसला हुआ कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार और संगठन जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में चले दिनभर मंथन में रणनीति भी बनाई गई। और अब बात करते हैं सीपी जोशी के संकल्प की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का संकल्प पूरा हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीपी जोशी को साफा पहनाकर संकल्प पूरा कराया। सीपी जोशी का संकल्प था वो क्या था वो आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव से पहले सीपी जोशी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती वो साफा और फूल माला नहीं पहनेंगे। इसी कड़ी में सीएम ने सीपी जोशी को साफा पहनाकर उनके संकल्प को पूरा कराया। वहीं सीएम ने कहा कि सभी बीजेपी कार्यकर्ता सीपी जोशी से प्रेरणा लें। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मुख्य परीक्षा 2024 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसमें 10वीं की बोर्ड परीक्षा 29 फरवरी से यानी कि 29 फरवरी से शुरू होगी और 10वीं बोर्ड की परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी यानी कि 7 मार्च से। और इसी तरह नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 18 जनवरी से 14 फरवरी तक और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 15 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य संपादित होगी। आज जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर कमेटी की मीटिंग में परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियों को मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि उच्च स्तर से अनुमति के बाद परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर परीक्षाएं 29 फरवरी से 4 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी और सभी परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक होंगी। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार की योजनाओं का असर दिख रहा है उससे पक्का है कि भाजपा राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतेगी। अलग अलग पार्टी जो अब तक एक दूसरे को गालियां दिया करती थी आज एक छतरी के नीचे आ गई है या खुद के बचाव के लिए एक छतरी के नीचे आए हैं। अब इन पार्टियों के अंदर ही खींचतान चल रही है। जहां जहां इन पार्टियों का राज रहा है वहां कुशासन देखने को मिला है। और क्या कुछ कहा है वो सुनिए। देखिए, जहाँ तक मिशन 25 का सवाल है, जहाँ तक लोकसभा चुनाव 2024 का सवाल है, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम में जो फर्क है, जो दिखता है, जिस तरह से लोगों के घरों तक शक्ति पहुंच रही है, जिस तरह से देश मजबूत हो रहा है, जिस तरह से राम राज्य स्थापित हो रहा है, ये बात पक्की है, निश्चित है, तय है। 25 में से 25 सीटें राजस्थान
भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो जीत होगी 2024 में, उसने हमारी तरफ से, राजस्थान की तरफ से, राजस्थान के निवासियों की तरफ से ये योगदान होगा। अब पूरे प्रदेश भर में लोहड़ी की धूम रही। सीएम भजन लाल शर्मा भी राजा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। राजा पार्क में गोखास्ट लोहड़ी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम का भव्य स्वागत भी हुआ। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर लोहड़ी के कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बाल मुकुंद आचार्य भी साथ में नजर आ रहे हैं और साथ ही दूसरी तरफ उनका स्वागत करते हुए फूल मालाओं के साथ उनको सम्मानित किया गया। और अब खबर दौसा से है, जहां दौसा रेलवे स्टेशन पर सांडों का आतंक देखने को मिला है। सांडों के आने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और वेटिंग हॉल में दिखाई दिए अनेक सांड। स्टेशन पर यात्री वेटिंग रूम को छोड़कर जाते हुए नजर आए। यही वो तस्वीरें हैं जहां वेटिंग हॉल पर, प्लेटफॉर्म पर तमाम सांड, चार से पांच सांड आपको नजर आ रहे हैं। वेटिंग एरिया में जहां पर यात्री अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, सांड के आने की वजह से उनको वहां पर जाना पड़ा। लापरवाही है और उदयपुर में एक खेल कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी का मंच से दिया बयान सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मंच से आयोजकों को धन्यवाद दिया। इसके बाद जो उन्होंने कहा वो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप खुद सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्यों सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हो रहा है। इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, तो ज्यादा समझदार भी नहीं हूं। जब मेरे को फ़ोन किया तो मैंने, जयपुर मीटिंग थी, रात को 10 बजे तक हमारी मीटिंग थी, लगातार मीटिंग चली और हम, मेरे ट्रेन निकल रही थी, मैं ऊँचा नीचा था, ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे जाऊँगा कैसे नहीं। एक बार तो मन बनाया कि मैं 11 बजे वोल्वो जाती वोल्वो से चला जाऊँगा। आपका प्यार था तो मेरे मन में एक चिंता थी कि भाई मैं जाऊँगा, क्योंकि एक अपेक्षा रहती है। अब हम नेता हो गए, मंत्री हो गए, तो हम बड़े बाप की औलाद होंगे क्या? अलवर के शहद से अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला की मूर्ति का अभिषेक किया जाना है और जिसे लेकर अलवर से मधुमक्खियों का करीब 125 किलो शुद्ध शहद विशेष रथ के माध्यम से आज भगवान जगन्नाथ मंदिर से रवाना किया जाएगा। इस दौरान रथ में भारी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। ये भी बता दें कि यह शहद सरिस्का के जंगल से तुलसी, जामुन और अजवाइन के फूल और पेड़ से तैयार किया गया है। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि यह अलवर के लिए गौरव की बात है। सवा कुंटल हमारे भाई साहब गौतम जी है पास में, और इस नदी का ये शहद है।